हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडीज। आशा करुच्छे समस्ते भलरे थिबो ओ एंट्रेंस एग्जाम पे प्रिपेरेशन जोरसोरे चलैथिबो। आजिरो क्लास रे आमे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कशन करबा, जोटे कि तमरा मैथ्स रो ओटीटी सिलेबस रो कंटेंट पार्ट रो लास्ट टॉपिक टे अछि। ऑलरेडी तमरा आगरो जते सब कंटेंट पार्ट हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन जहा भी सब कंप्लीट क्लास गुडा सब कंप्लीट हो गई तार गोटे मुझ टोटाल प्लेलीस्ट बनी दीची, जो मैंने भी से क्लास गुडा को कंप्लीट करना जल्दी से कंप्लीट कर दियो। तो चलो डेरी न करके आज डिस्कशन स्टार्ट करवा। फर्स्ट हमें आज कौन डिस्कशन करवा ना प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट किसी देखो प्रॉफिट एंड लॉस रे फर्स्ट किसी हमें टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग कहा को कौन कहा जाए ठीक है। टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग ओवरऑल जो मैंने भी भूली जाइए थे मैंने ठीक है रिकॉल कर दियो। फर्स्ट देखो फर्स्ट कौन अच्छे तुम्हारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कहले कौन तुम्हारा क्रय मूल्य गोटे जिनसा को आम जी दाम देखना किनी था आम कौन कही था ना कॉस्ट प्राइस कौन लिखा जाए शॉर्ट फॉर्म रे सीपी। कौन लिखा जाए देखो डेफिनेशन द अमाउंट एट व्हिच एन आर्टिकल ब्रॉट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट है कौन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मैंने कौन तुम बिक्री मूल्य जी दाम गोटे जिन बिक्री करोल्ड करें कौन कही था ना सेलिंग प्राइस। लिखा है देखो द अमाउंट एट व्हिच एट व्हिच द आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट सेलिंग प्राइस क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट है कौन तुम प्रॉफिट। प्रॉफिट और गेन तुम लाभ। लाभ क्या कत तुम बिक्री मूल्यटा क्रय मूल्य ठारु अधिक हम तेज कौन तुम सेलिंग प्राइसा कॉस्ट प्राइस ठारु अधिक हेल्ला तुम कौन प्रॉफिट बा लाभ हम गोटे जी जी बिक्री करता जी अच्छे तो कौन से लिखा है देखो व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन देयर इज ए गेन। आम प्रॉफिट बा तुम कैसे लाभ है कमी कि हमें काढ़ी था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओके एगुड़ा सब बेसिक जिनस गुड़ा बस जो मैंने भूली जाइए मुझे रिकॉल करने सब रखी देखिए फास्ट स्लाइड रे क्लियर। नाउ नेक्स्ट है तुम लॉस। लॉस बा कौन मानते कौन क्षति जिते बड़े तुम बिक्री मूल्यटा क्रय मूल्य कौन कम हो मैंने बिक्री मूल्यटा क्रय मूल्य कम होते कौन आम क्षति हम सीटा ही लिखा है देख व्हेन द सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देन देयर इज ए लॉस। आम लॉसटा को कमी काढ़ी था ना कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्लियर समस्ते तार किसी कन्फ्यूजन ना ये चार्टा टर्मिनोलॉजी रे। फर्स्ट कौन है तुम क्रय मूल्य जितक कि विक्रय मूल्य जितक बिक्री कराभ व प्रॉफिट कौती तुम जब सेलिंग प्राइस बेसी होगा तेज लाभ हम सेलिंग प्राइस जब कम होगा तेज कौन ना एज कंपेरिजन टू कॉस्ट प्राइस तेज से कौन हम ना क्षति हम क्लीयर बुझा पड़ा समस्त को। एवं किसी बस तुम इंपोर्टेंट फॉर्मूला सब डिस्कशन करदे सो दैट कौन ना तुम जिते बड़े क्वेश्चन कर डायरेक्ट तुम पूरा एक पूरा ट्रेडिशनल मेथड रे लेंदी न करके सिंपल फॉर्मूला रे भी पुट करके आंसर काढ़ी पार क्लियर। देखो रूल नंबर वन कौन दे फर्स्ट रूल कौन अच्छी इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन देयर विल बी ए प्रॉफिट क्लियर। तो से प्रॉफिट को हमें केमिति की काढ़ी था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्लियर। प्रॉफिट तो होगा केते परसेंट प्रॉफिट है से केमिति की काढ़ तुम प्रॉफिट इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्लियर। मैंने ये देखो ये जो फर्स्ट आम कहलु केते टंका प्रॉफिट है सेकेंड जो फॉर्मूला मुझे तुमको कह कौन केते परसेंट प्रॉफिट है क्लियर। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ को नोट करके रखीदेव कौन ना बोथ प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस ओनली। तुम केते लाभ व क्षति होगा सब बड़े एज कंपेरिजन कह सहित कराइना तुम कॉस्ट प्राइस बा क्रय मूल्य सहित क्लियर बुझा पड़ा। प्रॉफिट केमती की फाइंड करिबो प्रॉफिट परसेंटेज केमती की फाइंड करिबो। नाउ मूविंग टू रूल नंबर टू। रूल नंबर टू कौन देसी देखो इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस देन कौन तुम जब क्रय मूल्य अधिक हो गला विक्रय मूल्य कौन कम हो गला तबे तुम कौन हम लॉस हम लॉस माने कौन क्षति है क्षति हेले कौन हो तुम देख क्षतिर फॉर्मूला है तुम कौन ना केते टंका क्षति है केमती काढ़ कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सिमिलरली परसेंटेज लॉस लॉस परसेंटेज काढ़ा कौन कर लॉस इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस बुझा पड़ा समस्त को सिमिलर जिनस बस से तुम प्रॉफिट थी एटे तुम लॉस थी क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट तुम रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री को कौन लिखी दूसरी देख इफ एन ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड आर परसेंट प्रॉफिट ओके आर परसेंट प्रॉफिट देन तार डायरेक्ट सेलिंग प्राइस टा केमिति की काढ़ देन एसपी विल बी इक्वल्स टू सीपी इनटू वन प्लस प्रॉफिट परसेंट
सॉरी वन लिखेंगे ना, हंड्रेड हम, हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय हंड्रेड, क्लियर। एटा तुम्हारा किसी भी ना रूल नंबर थ्री रहा, तुम्हारे जो फर्स्ट रूल लिखाई से बस टिके डेरिवेशन कराई ना तुम बस तुम सेलिंग प्राइस हम से पढ़ाई। जदि धर जो गोटे ऑब्जेक्ट को जड़े सोल्व कला के आर परसेंट प्रॉफिट रे आउ तुमको क्वेश्चन रे पचारी से तुमको क्रय मूल्यटा भी दे से तुमको पचारी तुम सेलिंग प्राइस बा बिक्री मूल्य केत हो बोली, तो किसी ना आखि बंद करके फर्मुला पुट करदेवार अच्छे कौन ना कॉस्ट प्राइस इंटू हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय हंड्रेड, क्लियर बुझा पड़ा समस्त को। ये तो है तुम सेलिंग प्राइस। सपोज तुमको क्वेश्चन में आम टाइप क्वेश्चन भी आपको रखी से प्राक्ट करवा बेसी किसी भी टेनसन ना ना बस एवं देखी था जिनसा कौटी केमती कौन पुट हम तुमको गिभेन डेटा कौन कौन थी तुमको गिभेन थी केसेंट प्रफिट है आउ तुम कौन ना कस्ट प्राइस थी से तुमको क्वेश्चन में पचार सेलिंग प्राइस के टाइप्स क्वेश्चन बहुत सारा रखी टेनसन किसी ना। नेक्स्ट देख नेक्स्ट तुम सेलिंग प्राइस तुम्हारा कॉस्ट प्राइस केमती की फाइंड कर कॉस्ट प्राइस सीपीयू विल बी इक्वल्स टू कौन है तुम्हारा एसपी इनटू 100 डिवाइडेड बाय तुम्हारा कितने ना 100 प्लस प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट, क्लियर। एटा तुम्हारा कौन ना एथि तुम्हारा गिवन डेटा कौन कौन थी तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज थी आउ तुम्हारा कौन ना सेलिंग प्राइस दे थी तो तुम आराम से अभी कॉस्ट प्राइस काढ़ दबो, क्लियर। कहारी कन्फ्यूजन ना रूल नंबर थ्री रे। सपोज इन केस ऑफ एटा तो हेगला तुम्हारा प्रॉफिट पाई इफ एन ऑब्जेक्ट एटा सेकंड पार्ट टा कोन ना इफ एन ऑब्जेक्ट कोन ना इज सोल्ड आर परसेंट से लॉस रे धरा जाउ से बिक्री कला तबे तारो सेलिंग प्राइस कोन हि जीवो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल्स टू तुम्हारा कोन ना सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, क्लियर। एथरे बस तुम प्रॉफिट रे प्लस थिला एथरे तुम कौन ना माइनस साइन टे रहिबो, क्लियर। नेक्स्ट देखो कॉस्ट प्राइस पाई कौन जीवो सेमती कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज, बुझा पड़ा समस्त को। रूल नंबर थ्री रे कह भी किसी कन्फ्यूजन ना एवं किसी क्वेश्चन करवा क्वेश्चन देख फर्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए ए मेन बाय ए साइकिल फॉर रुपीज 1400 एंड सेल इट एट ए लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल, क्लियर। तो देखो या डायरेक्ट फॉर्मूला रे पुट कर दबो, देखो से टाइप्स रे क्वेश्चन अच्छी तुमको क्वेश्चन रे गिवन कौन अच्छी ए मेन बाय द तुमको कौन दिखाई तुमको सेलिंग ओके तो ए मेन बाय ए साइकिल माने कौन ये देखो सॉल्यूशन टा लिखुची तुमको कौन दे दीची कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन हमको गिवन अच्छी कॉस्ट प्राइस के 1400 टाँचा। नेक्स्ट देखो कौन है तुम लॉस परसेंटेज के 15% से तुमको क्वेश्चन में कौन पचार क्वेश्चन में पचार सेलिंग प्राइस केत हम बोली तो सेलिंग प्राइस के तुम कॉस्ट प्राइस एवं ही टी आगे डिस्कसन कलु कॉस्ट प्राइस इनटू तुम कौन ना 100 माइनस लॉस अच्छी जेहेतु लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय केते ना तुम्हारो 100, क्लियर। तो ये देख ए सिंपली वैल्यू पुट कर करदेवार अच्छे सीपी वैल्यू क्वेश्चन गिवेन अच्छी 1400 रुपीज इंटू 100 माइनस लॉस के लॉस है तुम 15% डिवाइडेड बाय 100, क्लियर। तो या सिंप्लीफाई कले के 1400 इंटू 85 डिवाइडेड बाय 100 तो दीटा जीरो कैंसल है तो कहते ना 14 इंटू 85 व्हिच इज इक्वल्स टू 1190 रुपीज कौटी अच्छी देखो सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बुझा पड़ा ये फॉर्मूला गुड़ा केमती अप्लाई होची एबे देख चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखो एटा मु तुमको दीटा जाक मेथड रे कहि देबी जहार द्वारा जो इन सपोज कोई वर्स्ट कंडीशन रे तुम्हारा फॉर्मूला मन न पड़ला तबे ताको केमती तुम एटलीस्ट क्वेश्चन रे छाड़ी तो आसबनी ताको केमती टिके ट्रेडिशनल मेथड रे टिके टाइम टेकिंग होबो किंतु ताको टिके सॉल्व करके डेफिनेटली आसेर छ क्वेश्चन किछि भी छाड़िया नहीं। तो देखो क्वेश्चन कौन देछि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 651 देयर इज ए लॉस ऑफ 7% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द
लीज तो तुमको एटी गिवन कौन अच्छी एसपी वैल्यू दे दी लॉस परसेंटेज दे दी तुमको पचार सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस कत हम बोली तो सिंपल जदि मु फर्स्ट ईयर को फॉर्मूला रे पुट करे तो कौन है जीवो तुम एटा गला सीपी इक्वल्स टू तुम कौन ना एसपी एसपी इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय केते ही गला तुम्हारो हंड्रेड डिवाइडेड बाय हंड्रेड माइनस लॉस केते ही गला तुम्हारो सेवेन परसेंट क्लियर तो लॉस परसेंटेज है सेवेन क्लियर है कि जाए ये किसी नहीं ओके नेक्स्ट देखो सिंपल या को सॉल्व कर दबो तो कौन ना एसपी जगह रे पुट करिया केते अछि तुम्हारो 651 इनटू 100 डिवाइडेड बाय एटा केते ना तुम्हारो 93 सो सेलिंग परसेंटेज विल बी इक्वल्स टू 700 बुझा पड़ला समस्त को डायरेक्ट फॉर्मूला रे पुट कर देले एटा हे गला और तमे ताको एटा हेला तम पाई के मेथड 1 मु सब बेले सजेस्ट करिम कि तमे मेथड 1 टिके मन रखि किना ठीक है फॉर्मूला डा पुट करिया को ट्राई करबो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हे गला तम मान को पाई मेथड 2 जो मेथड ता तुमको से एग्जाम टाइम रे मन पड़ियो क्वेश्चन छाड़ी के आसे नहीं जो रेले में हमको आंसर काढ़ियार अछि क्लियर तो ये देख तुमको क्वेश्चन ने हमको कौन पचार क्वेश्चन ने हमको पचार कॉस्ट प्राइस केते हो बोली लेट अज्यूम लेट कॉस्ट प्राइस तुम है केते ना एक्स रुपीस क्लियर एबे तुमको कौन कही ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 651 देयर इज ए लॉस ऑफ 7% क्लियर तो ये तुम लॉस केते है हमारे क्वेश्चन ने गिवेन केते अच्छे लॉस हो जाए 7% क्लियर एबे तो तुम्हारा कौन ना कहा ऊपर तुम्हारा लॉस हबो कॉस्ट प्राइस ऊपर सब बेले लॉस बा प्रॉफिट तुम्हारा कौन ना माने कैलकुलेट करा हेते तो देखो धरा जाओ एक्स रुपीज अछि एक्स टंका रे से ताकू किणी छि एक्स टंका रो 7% लॉस हला ता माने कौन हे गला तुम्हारा बिक्री मूल्य केते हि जीवो एक्स माइनस 7x बाय 100 क्लियर एति कि जाय इक्वल्स टू तुम्हारा बिक्री मूल्य केते 651 बुझा पड़ा ना समस्त को आउ थे कौन देख तो तुम क्वेश्चन रे आमको कौन सेलिंग प्राइस गिवन अच्छे सेलिंग प्राइस केते ना तुम क्रय मूल्य रु जदि आम क्रय मूल्य रो 7% लॉस रे ताकु दे देउची तबे तार बिक्री मूल्य आसी जीवो बुझा पड़ा समस्त को सो हियर वी कैन राइट इफ एक्स इज द कॉस्ट प्राइस एक्स रो 7% माइनस कर देला तुम सेलिंग प्राइस आस जीवो याकु बस एबे सिंपलीफाई कर कि एक्स रो वैल्यू काढियार अछि याकु सिंपलीफाई करले केते आसीला तमरो 93x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 651 दैट इंप्लाइज याकु सॉल्व करले केते आसीबो एक्स विल बी इक्वल्स टू 651 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 93 दैट इंप्लाइज एक्स विल बी इक्वल्स टू 700 बुझा पड़ा समस्त को कहार किसी कन्फ्यूजन ना जो मेथड रे हो तुम तो को क्वेश्चन आंसर करियार अच्छे सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ा क्लियर एवरीवन मेथड नंबर 1 और मेथड 2 दीरा जाको नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे देखो क्वेश्चन नंबर 3 ए मिल्कमैन ब्रॉट 70 लीटर ऑफ मिल्क फॉर 6:30 एंड ऐड 5 लीटर ऑफ वाटर इफ ही सेल इट एट 9 रुपीज पर लीटर हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज क्लियर तो एबे देखो तुमर कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 एटी देखो से 70 लीटर को किणी छी 60 630 टंका रे क्लियर सेथिरे से ऐड केते कोला 5 लीटर पानी ऐड कोला तो एबे मते कहो तार मिल्क रो से मिल्कमैन पाई टोटल 70 लीटर थिला खीर थिला सेथिरे 5 लीटर पानी ऐड कर देला तो ता पाई टोटल तमरो खीर डा केते हेगला 75 लीटर तो 75 लीटर को से 630 टका रे किणी पिछि मु कहि परबी क्लियर है कि कारण से 5 टका से पानी किणिया पई तो पैसा देनी से लेखाई नी किछि तो कोन ना 70 लीटर 75 लीटर मिल्क पाई तार कॉस्ट प्राइस केते हि जीवो ना 630 टका बुझा पड़ला से जे लिख छी देखो एडी तमर केते ना कॉस्ट प्राइस ऑफ एडी सॉल्यूशन लिख छी कॉस्ट प्राइस ऑफ 75 लीटर पाई केते हि गला तमरो 630 टका बुझा पड़ला एबे देखो से कौन कहै छी ना
इफ ही सेल एट 9 रुपीज पर लिटर जदि से पर लिटर को 9 टंका रे बिक्री कर थाए तबे तार सेलिंग प्राइस केते हि जीवो 75 लिटर पई 9 × 75 गोटे लिटर को बिक्री करी 75 टंका रे ता पाखरे पानी मिसेला परे टोटल केते लिटर खीरो अवेलेबल अछि 75 लिटर तो तार टोटल सेलिंग प्राइस केते हि जीवो 9 × 75 व्हिच इज इक्वल्स टू केते ना 675 क्लियर बुझा पडला समस्तंकु एते देखो तबर प्रॉफिट प्रॉफिट केते हे गला प्रॉफिट विल बी इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो कते गला 675 माइनस 630 व्हिच इज इक्वल्स टू 45 बुझा पडला एठे किंतु क्वेश्चन तुमको कोन पचाय छी प्रॉफिट परसेंटेज पचाय छी तो प्रॉफिट परसेंट केते गला प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज केते गला तमरो प्रॉफिट प्रॉफिट हेला 45 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस केते अछि तमरो 630 × 100 तो याकु बस कैंसिल करके तुम्हारे सॉल्व कर लिया जीवो कहते ना याकु चलो सॉल्व कर देले कहते ऐसे गला ओके एवे देखो ये कहते हैं जीवो ना 50 / 7 व्हिच इज इक्वल्स टू 7 whole 1/7% उठी अच्छी देखो सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला समस्त को बस ए पॉइंट टाकु तुमको कैच करियर अछि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 75 लीटर जो 770 लीटर आइला 630 टका सेतरे पानी मिसे देला तो टोटल तार 75 लीटर में तो केते टका किन देबा को पड़ले 630 टका ए नहीं मेन पॉइंट बाकी सब तो आराम से कैलकुलेशन पार अछि किछ नै क्लियर बुझा पड़ला समस्त को क्वेश्चन नंबर 3 नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिस देखो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट व्हिच इज द बेस्ट ट्रांजैक्शन तो देखो एथेरे तुमको सीपी रो वैल्यू दे दिछि आ केते टंका प्रॉफिट हिछि किंतु से तुमको क्वेश्चन ने पचाइ छि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कोटा तमरा बेस्ट ट्रांजैक्शन हबो बोली क्लियर तो फर्स्ट रो जदी हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज काढले केते हि जीवो तमरा 17 डिवाइडेड बाय 36 × 100 क्लियर व्हिच इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 47% क्लियर नेक्स्ट सेकंड अपाई काटले केते आसला तमरो प्रॉफिट प्रॉफिट हला 24 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य माने सीपी 50 × 100 व्हिच इज इक्वल्स टू 48% नेक्स्ट सी रे पाई काटले कोन हि जीवो तमरो प्रॉफिट हिची केते 90% ऑफ प्रॉफिट काटले 90 डिवाइडेड बाय 40 × 100 which is equals to 47.5% बुझा पड़ला एबे माने चार नंबर पे काटले कोन हेला तमरो प्रॉफिट केते अछि 29 रुपीस क्रय मूल्य सीपी केते अछि 60 × 100 which is equals to 48.3% तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज कोडा बेस्ट ट्रांजैक्शन अछि तमरो फोर्थ नंबर ता सबु हाईएस्ट तमरो फोर्थ नंबर ता अछि 48.3% सो कोडा हेला 4 सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला समस्तंकु काहे किछि कन्फ्यूजन नाही नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिसि देखो ए मेन ब्रॉट ए ओल्ड टाइपराइटर फॉर 1200 रुपीस एंड स्पेंट 200 रुपीस ऑन इट्स रिपेयर ही सोल्ड इट एट 1680 रुपीस इट प्रॉफिट परसेंटेज केते होबो तो देखो जदि से ताको 1200 टका रे किनिला पुणी ताको 200 टका देकिना रिपेयर कला तारो टोटल किणा हि केते पड़ी गला ताको 1400 टका पड़ी गला एबे आराम से करतबो तो तमरो केते गला सीपी विल बी इक्वल्स टू 1200 प्लस 200 व्हिच इज इक्वल्स टू 1400 क्लियर एसपी तमरो देछि केते 1680 एबे आराम से तमरो प्रॉफिट परसेंटेज काट दे परबो प्रॉफिट परसेंटेज एडा मु तमन को पे होमवर्क छड़ दउ छी कर दबो समस्त एडा तमन को पे होमवर्क रहिला क्लियर सो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट एडा तमन को पे होमवर्क रहिला बस प्रॉफिट परसेंटेज काढियार अछि क्लियर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिसि देखो क्वेश्चन नंबर 6 कोन अछि इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज क्वेश्चन आउ थरे भल से पढिया कोन दिछि इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस तबे तमरो प्रॉफिट परसेंटेज केते बोली पचर छि तो क्लियर तो एटे देखो सॉल्यूशन एटे लिख छि ओके इफ वी अज्यूम
तुमर कौन ना सेलिंग प्राइस जदि तुमर केते हो उचि ना तुमर कौन चलो एटी अज्यूम करबे लेट लेट सीपी इक्वल्स टू एक्स ओके तो कैन आई राइट क्वेश्चन रे तुमर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन अछि सीपी कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल्स टू 95% ऑफ सेलिंग प्राइस क्लियर दैट इंप्लाइज कैन आई राइट x will be equals to 95 divided by 100 into sp clear eti ne samaste to ethi ebe dekho tomaro sp ro value kete hi jibo sp will be equals to x 100x 100x divided by 95 clear next नेक्स्ट तुम एवं कौन काढ़ तुमको प्रॉफिट तुम आसीगला कॉस्ट प्राइस अज्यूम कर एक्स सेलिंग प्राइस आसीगला तुम के ना 100x माइनस बाय 95 एवं कौन आसला तुम प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट परसेंट काढ़ तो एवं कौन काढ़िया ना प्रॉफिट प्रॉफिट फर्स्ट काढ़ दे तार प्रॉफिट परसेंटेज काढ़िया प्रॉफिट के तुम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस केते होची तमरो 100x बाय 95 माइनस x व्हिच इज इक्वल्स टू 5x बाय 95 क्लियर एतिक जाय कहरी किछि कन्फ्यूजन नाही नेक्स्ट देखो याकुडी के तमको सिंपलीफाई कर देले केते आस जीवन तमरो x बाय 19 क्लियर बुझा पड़ला समस्तंको नेक्स्ट देखो नेक्स्ट तमको क्वेश्चन रे कोन पचै छै ना गेन परसेंटेज बा प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज केते हो बोली तो कौन ना प्रॉफिट प्रॉफिट केते x बाय 19 डिवाइडेड बाय कौन सीपी सीपी अछि x इनटू 100 क्लियर तो एटा तमर केते आसी गला ना 100 डिवाइडेड बाय 19 व्हिच इज इक्वल्स टू 5.26 परसेंटेज कोठे छि देखो सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ा समस्त को कहारी किसी कन्फ्यूजन ना क्वेश्चन नंबर 6 रे नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7 कौन अच्छे देख ए मर्चेंट बाय एन आर्टिकल फॉर 27 रुपीज एंड सेल इट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ए लाइन टाक भलसे देख एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज क्लियर से तुमको क्वेश्चन रे गिवन कौन अच्छे क्वेश्चन रे तुमको गिवन अच्छे सीपी सीपी इक्वल्स टू 27 क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट तुमको नेक्स्ट सपोज तुमरो एसपी को जदि मु अज्यूम करूची एक्स रुपीज से कौन कोई छी प्रॉफिट केते हिची ना सेलिंग रो 10% ता माने कौन तुमरो प्रॉफिट विल बी इक्वल्स टू प्रॉफिट विल बी इक्वल्स टू एक्स इनटू 10 बाय 100 which is equals to x by 10 बुझा पड़ला समस्तंको प्रॉफिट केमति की कढा हला कारे किछ कन्फ्यूजन नाही ए लाइन रे जति की अंडरलाइन कछि समस्त बुझी पालो एबे देखो से तुमको क्वेश्चन कोन पचार छि ना सेलिंग प्राइस माने एसपी रो वैल्यू काढियार छि तो देखो तमे जानि छौ प्रॉफिट विल बी इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्लियर तो प्रॉफिट तमरा आसी केते x by 10 rupees equals to selling price को assume करीची x minus 27 clear तो एबे कौन हला तमरो x रो value काढ़िया रची x रो value का okay x रो value काढ़ले कौन हिजबो x रो हले कितना 27 equals to x minus x by 10 which is equals to तमरो कहते 9x by 10 that implies एपोड़े सॉल्व कर दूँ ची देखो that implies चले x will be equals to 27 into 10 divided by 9 9 3 जा 27 which is equals to 30 rupees तो तमरो कौन ना सेलिंग प्राइस को हमें x अज्यूम कर दिलो हम क्वेश्चन रे भी से सेलिंग प्राइस ही पहुंचा ची so sp will be equals to 30 rupees क्लियर समस्ते कोठी अच्छी देखो सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला समस्त को देखो से तुमको ए जो जति गिरा अंडरलाइन कर छने एटा को ही बस तुमको इंटरप्रेट करिया रची हेले तुम्हारा सब प्रॉब्लम रो सॉल्व हे गो
क्वेश्चन रे कोन दिया थिला तमरो कॉस्ट प्राइस थिला 27 रुपीज तमरो प्रॉफिट केते होतला ना सेलिंग प्राइस रो 10% जदि मो सेलिंग प्राइस को x रुपीज नउची तेबे प्रॉफिट केते हि जिवो x रो 10% ता माने कोन x into 10/100 व्हिच इज इक्वल्स टू x बाय 10 क्लियर हे तिकि जाय से तुमको क्वेश्चन रे पचार छी क्वेश्चन हमको फाइंड करियार अछि सेलिंग प्राइस केते हबो हमको समस्त को फार्मूला जाना अछि प्रॉफिट इक्वल्स टू देखो ए तीन चारटा फार्मूला भितरे ही बस गुड़े घंटे है कि सब प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन हि जइबो तो प्रॉफिट हमें जान छी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस कला कोन कोन हेगला तमरो एक प्रॉफिट रो वैल्यू पुट कर दलो सेलिंग प्राइस रो वैल्यू पुट कर दलो कॉस्ट प्राइस रो वैल्यू पुट कर दलो इक्वेशन सॉल्व कर दले एक्स रो वैल्यू आसी गला सेलिंग प्राइस रो वैल्यू आसीगला क्लियर समस्ते बस ए तीन चारटा तमरो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज गेन परसेंटेज ए तीन चारटा फार्मूला को ही भल से मन रखे रहछि क्लियर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिसै देखो इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस देन प्रॉफिट परसेंट इज सेम टाइप रो क्वेश्चन रे अछि एडा तमन को पई होमवर्क रहला समस्त मते कमेंट सेक्शन रे तार आंसर केते आसला लिखि कि जणइबो जदि न हुए तेबे भी लिखि कि जणइबो मु ताको नेक्स्ट क्लास रे फर्स्ट एगुडा को जति गुडा डाउट अछि से गुडा सॉल्व कर देबे देन फर्दर आकु पढिबा क्लियर बुझा पडला समस्त को नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 कोन छै देखो कृष्णन ब्रॉट ए कैमरा एंड पेड 20% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस He sold it at 40% profit on its price. On the price he had paid. The percentage of profit earned by Krishnan on the original price is clear. तो देखो जदि मु से तुमको कहि छी जे ओरिजिनल प्राइस कैमरा रो जति कि थिला सेति रु से 20% लेस रे कोना ताकु से किनि के आंछि क्लियर तो लेट सपोज अज्यूम करू छी जे ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल ओरिजिनल प्राइस केते होछि ना तमरो x रुपीस तो से तर कोन ओरिजिनल प्राइस रु कोन लिखाई छि ब्रॉट ए कैमरा एंड पेड 20% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस रु 20% लेस रे आनी छि तो से ताको केते टंका पेड कर छि ओरिजिनल प्राइस रो 80% पेड कर छि त माने कोन हे गला तमरो कॉस्ट प्राइस विल बी x इनटू 80 डिवाइडेड बाय 100 व्हिच इज इक्वल्स टू 4x बाय 5 क्लियर जदी ओरिजिनल प्राइस x रुपीस हुए सेथिरे से क्वेश्चन कोन दिस ना से 20% कम रे आनी छी त माने से केते परसेंट दे छी 80% दे छी कहार 80% दे छी ना ओरिजिनल प्राइस रो 80% दे छी तो कोन हेगला cp विल बी इक्वल्स टू x into 80 divided by 100 बुझा पड़ला समस्तंको नेक्स्ट नेक्स्ट कोन छ देखो एबे ही सोल्ड इट एट 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही हैड पेड तो से केते टंका पेड करथला से देखो पेड करछि 4x minus 5 रुपीज तारो 40% प्रॉफिट रे कोनना सेटा को बिक्री कर दीछि तो तारो सेलिंग प्राइस केते हेगला सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल्स टू 4x बाय 5 into 140 divided by 100 clear एथिरे कारी किसी confusion नहीं तो याको solve करले के तेस जीवना तमरो 28x by 25 बुझा पड़ला समस्तों को now now moving to next step next कौन कोई ची the percentage of profit earned by Krishnan on the original price एबे हमें कौन कोड़े काड़िवा next कॉस्ट प्राइस आसी गला सेलिंग प्राइस आसी गला एबे काढियार अछि जे तमरो गेन केते हेला कहा कंपैरिजन रे ना ओरिजिनल प्राइस रो कंपैरिजन रे जेहेतु तमको परसेंटेज ता ओरिजिनल प्राइस रो कंपैरिजन रे काढियार अछि तो तमरो गेन ऑन ओरिजिनल प्राइस केते हे गला तमरो गेन ऑन ओरिजिनल ओरिजिनल प्राइस केते हे जीवो तमरो बिक्री करा है ची तमरो 20x डिवाइडेड बाय 25 रुपीस रे किना ताकु हे थिला केते x रुपीस रे तो एटा केते हे गला गेन हे गला विक्रय मूल्य बाय ओरिजिनल प्राइस कंपैरिजन करूछु माने ओरिजिनल प्राइस रो माइनस करिया तो एटा केते हे गला तमरो 3x बाय 25
बुझा पड़ला एति कि जाय कहरी किछि कन्फ्यूजन नहि किंतु से तुमको कोन पचाछ छै ना गेन परसेंटेज गेन परसेंटेज सिंपल हैला गेन परसेंटेज केते हि जबो तमरो गेन बा प्रॉफिट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय तमरो कहा सहित कंपैरिजन करा होची ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल प्राइस इनटू कोन ना 100 तमरो प्रॉफिट केते होची प्रॉफिट हेगला तमरो 3x बाय 25 इनटू ओरिजिनल प्राइस केते होची 1 बाय x इनटू 100 तो याकू तमरो सॉल्व करले केते आसी जबना 12% एतिरु x रु कैंसिल हेगला 25 4 जा 100 4 3 जा 12% क्लियर कोठी होची देखो सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला समस्तनको ए टाइप्स रो क्वेश्चन गुडा को केमती अप्रोच करबो मु टिके लेंदी लेंदी क्वेश्चन गुडा को रख दिजे सो दैट कोन तमे जति सहजिया क्वेश्चन असे तमे ताको आराम से कर दबो क्लियर क्वेश्चन नंबर 9 रे कहरी किछि कन्फ्यूजन नाही नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 कोन देछि देखो बाय सेलिंग एन आर्टिकल ए मेन मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज एटा भी सेम टाइप्स रो क्वेश्चन रे एटा को मैं तमन को पाई होमवर्क रे रख देली क्लियर समस्त डेफिनेटली एउडा को ट्राई करबो जो गुडा को भी होमवर्क रे मु तमन को पाई छाड़ दिथे रख ले जति कि शॉर्टकट रे पारिबो ताको करबो ही करबो ताको स्किप कर दबनी क्लियर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देसी क्वेश्चन नंबर 12 इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट calculated on its selling price will be clear to dekho yaku kemti ki koriba na if there is a profit of 20% on the cost price of an article the percentage of profit kete hobo boli percentage of profit calculated on its selling price kaha upare mane with respect to kaha soita calculate kara hochi eta bhalse dekhi rachi to let assume let तमर जदि कॉस्ट प्राइस 100 टंका हुए तो तमरो सेलिंग प्राइस केते हि जीवो तारो 20% माने कोन गेला तमरो 120 रुपीस क्लियर तो तमरो प्रॉफिट बा गेन केते हे गेला प्रॉफिट और गेन केते असला 20 रुपीस क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट कोन पचाछि तमको रिक्वायर्ड परसेंटेज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड गेन परसेंटेज गेन परसेंटेज केते हे गला तमरो गेन परसेंटेज हि जीवो केते 20 डिवाइडेड बाय कहा सहित पचारछि एटा देखो द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन इट्स सेलिंग प्राइस जो प्रॉफिट ता में कैलकुलेट करछु कहा ऊपर कैलकुलेट करछु ना सेलिंग प्राइस ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन रे जेंती माने ता हा क्वेश्चन रे जेंती तमरो कोन थला ओरिजिनल प्राइस तो सेटा देखिबो जे कहा ऊपर से तुमको कैलकुलेट करिया को कहिछि तो एटी तळे कोन रहिबो तमरो 120 इनटू 100 क्लियर तो याकू सॉल्व करले तमर केते आसला ना ए एडा आसला तमर केते आस जीवो 50 डिवाइडेड बाय 3 व्हिच इज इक्वल्स टू 16 होल 2/3% कोठी अछि देखो सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर पूछा पडला समस्तनकू काहे किछि कन्फ्यूजन नै एथरे नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिसि देखो ए मेन परचेज ए बेडशीट फॉर 450 रुपीज एंड सोल्ड इट गेन ऑफ 10% कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस द सेलिंग प्राइस ऑफ द बेडशीट इज क्लियर एडा को कर पारिबो ना समस्ते काहे किछि कन्फ्यूजन नै एडा को भी तमन को पई होमवर्क क्वेश्चन रख दउ छी क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर बहुत सारा क्वेश्चन पैरेलल क्वेश्चन रख छी सो दैट फंड में तमरो प्रैक्टिस ता माने जति कि रबी क्लास आजिरो सिखिलो से प्रैक्टिस ता को अधिक बूस्ट करिया पई दैट्स इट आउ किछि नै नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि देखो बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 960 ए मेन इंश्योर इनक्योर्स ए लॉस ऑफ 4% नेक्स्ट कोन लिखाइ छि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस एडा भी कर दबो सेम टाइप्स रो क्वेश्चन रे एडा को भी होमवर्क रहला क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन आज रो लास्ट क्वेश्चन कोन छि देखो ए सेल्समैन एक्सपेक्ट्स ए गेन of 13% on his cost price if in a month his sale was 791,000 what was his profit clear to dekho se tumko question re kon dei chi question re se tumko dei dei chi sp ro value dei dei chi au kon na se tumko pachar chi koutre na percentage ro profit percentage keto hobo boli clear
ओके व्हाट इज हिज प्रॉफिट तार प्रॉफिट केते हला बोली से पचारी छी तो एडी देखो क्वेश्चन ने आ कोन गिवन अछि तमरा प्रॉफिट परसेंटेज गिवन अछि तो एडी गला प्रॉफिट परसेंटेज गिवन कोन अछि ना प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज अछि अछि तमरा गिवन 13% आ कोन अछि तमरा एसपी रो वैल्यू अछि एसपी रो वैल्यू अछि केते 791 अग्रे 123 एतिकी रुपीस क्लियर से तुमको क्वेश्चन ने कोन पचार छि ना तमरो व्हाट इज हिज प्रॉफिट तो कोन प्रॉफिट काढिया पई तुमको सेलिंग प्राइस गिवन अछि तो तुमको कोन दरकार कॉस्ट प्राइस पई तुमरो फार्मूला कोन थिला तुमरो एसपी देखो केते बढ़िया रे यूज होछि तुमको प्रॉफिट दरकार केते टंका प्रॉफिट पचार छि तो सेलिंग प्राइस जणा अछि जदि मो एथिरे कॉस्ट प्राइस बाहर कर दिए तबे आराम से ताको सबट्रैक्ट करिक ना तमरो केते टंका प्रॉफिट हला मो काट दे परबी आराम से तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे हमरो फार्मूला कोन थिला एसपी डिवाइडेड बाय 100 एस सॉरी एसपी इनटू 100 डिवाइडेड बाय कोन ना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज क्लियर तो याको सॉल्व करले तमरो केते आसला प्रॉफिट केते हेछि सॉरी सेलिंग प्राइस केते अछि सेलिंग प्राइस अछि 791123 रुपीस ओके इनटू इनटू 100 डिवाइडेड बाय तमरो कोनटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज केते अछि ना 3 तो याको सॉल्व करले तमरो केते आस जीवन 7,12345 रुपीस क्लियर तो एमे तुमको कोन पचारथिला से तुमको केते प्रॉफिट तो प्रॉफिट केते बाहर जीवो प्रॉफिट विल बी इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस व्हिच इज इक्वल्स टू तमर कोन आसला ना 791123 माइनस 12345 क्लियर व्हिच इज इक्वल्स टू 9100 बुझा पडला समस्तन को तहरी किछि कन्फ्यूजन नै एथरे सो तमर कोठे आसला देखो सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ा ना समस्त को कहारी किसी कन्फ्यूजन नहीं है थे नेक्स्ट एट ही तमरो आज एतिक ही प्रॉफिट और लॉस रो फर्स्ट क्लास रो डिस्कशन करया जति की मु तमन को माने होमवर्क दे छी सब गुडा को डेफिनेटली ट्राई करबो यार तमरो डिटेल तमरो आंसर पीडीएफ टा रिटन आंसर पीडीएफ टा हम टेलीग्राम ग्रुप रे पाई जीवो टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक मु तमन को समस्त को डिस्क्रिप्शन रे दे देबी जो माने भी ज्वाइन करिया को चाहौ छ टेलीग्राम ग्रुप रे ज्वाइन कर जीवो आशा करछी आजरो क्लास टे समस्त को भल लागथिबो और हेल्पफुल रही थोड़ा तेज निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करो और सांग सहित सेयार करने सहित लाइक टे करो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।